नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के लगभग सभी संपार रेलवे क्रॉसिंगों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में डीआरएम लखनऊ उत्तर रेलवे सचिन मोहन शर्मा ने आरडीएसओ के स्पेशल गेट नंबर 2 स्थित रेलवे फाटक पर आम जनमानस को जागरूक किया है। आइए देखें हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर आरडीएसओ के स्पेशल गेट नंबर 2 स्थित रेलवे फाटक पर आज उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से रेलवे फाटक पर संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर लखनऊ मंडल रेलवे प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा ने लोगों को पंपलेट बांटे और रेलवे फाटक बंद होने के दौरान नियमों के पालन करने की अपील की। लखनऊ मंडल रेल प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा ने कहा कि जीवन अनमोल है, रेलवे फाटक पार करते समय सावधानियों एवं चेतावनियों का विशेष ख्याल रखें। लेवल क्रॉसिंग आपकी सुरक्षा के लिए बंद है तो इसका उल्लंघन ना करें। गेटमैन आपकी सुरक्षा के लिए है, उसे गेट खोलने के लिए मजबूर ना करें। लेवल क्रॉसिंग पर लगाए गए निर्देश आपकी सुरक्षा के लिए, इसे नजरअंदाज ना करें। वाहन चालक किसी भी स्थिति में फाटक के बंद होते अथवा खुलते समय पार करने की कुचेष्टा ना करें, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। बंद फाटक के बोम के नीचे से निकलने का बिल्कुल प्रयास ना करें। ट्रेन के फाटक से निकल जाने की प्रतीक्षा करें। बंद फाटक के अगल बगल के संक्षिप्त रास्तों से भी निकलने का प्रयास ना करें। लखनऊ मंडल रेल प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा ने कहा कि रेल फाटकों पर नियमों एवं चेतावनियों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। चेतावनियों के प्रति लापरवाही करने वाले व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट 132 तथा रेलवे अधिनियम 160 के दंडनीय अपराध के भागी होंगे, जिसमें उन्हें 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इस अवसर पर संपार फाटक अथवा रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं नियमों के प्रति स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर लखनऊ मंडल रेल प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा के नेतृत्व में परिचालन विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, सिग्नल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आरपीएफ की टीम ने लोगों को पंपलेट वितरित कर रेलवे फाटक पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक किया। मौके पर मंडल रेल प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा, सीनियर डीएसओ कुलदीप तिवारी, सहायक अभियंता राहुल जबरेवाल, टीआई एके वर्मा, स्टेशन अधीक्षक मानक नगर एमपी मीना, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ बीएन मिश्रा, निरीक्षक मनीष कुमार, निरीक्षक मुकेश कुमार, एएसआई लक्ष्मण सिंह सहित रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं आरपीएफ के अधिकारी व जवान उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस है और इसी क्रम में आज उत्तर रेलवे की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रेलवे फाटक पार करते समय किन किन बातों का ख्याल करें। इसी क्रम में आज आरडीएसओ स्पेशल गेट नंबर 2 पर यह अभियान चलाया गया है और मौके पे रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर एके वर्मा जी हमारे साथ हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि रेलवे फाटक पार करते समय किन किन बातों का ख्याल रखें जिससे कि ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज जैसा कि बताया गया कि आज अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता अभियान है, इसके अंतर्गत मैं सभी रोड यूजर सड़क उपयोगकर्ताओं से निवेदन करूंगा और ये जागरूक करूंगा कि जब लेवल क्रॉसिंग बंद हो, हमारा फाटक गाड़ी के लिए बंद हो, तो कृपया फाटक के नीचे से, बूम के नीचे से आप अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास ना करें। इससे दुर्घटना हो सकती है क्योंकि रेल की गति कहीं आपसे ज़्यादा होती है, इसलिए लेवल क्रॉसिंग आपकी सुरक्षा के लिए बंद है, उसका उल्लंघन ना करें। गेटमैन आपकी सुरक्षा के लिए है, उसे गेट खोलने के लिए मजबूर ना करें। प्रायः ये कभी कभी देखने में आता है कि संपार फाटक बंद रहता है, फिर भी लोग आकर गेटमैन से कहते हैं कि नहीं गेट खोल दीजिए, मुझे जाना है, जल्दी है, पेशेंट है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये आपको समझना होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए गेट फाटक बंद है, गेट का फाटक आपकी सुरक्षा के लिए बंद किया गया है और जब गेट का फाटक खुले तभी आप जाने का प्रयास करें। वाहन चालक किसी भी स्थिति में फाटक के बंद अथवा खुलते समय पर पार करने की चेष्टा ना करें, इससे दुर्घटना हो सकती है। बंद फाटक के बूम के नीचे से निकलने का बिल्कुल प्रयास ना करें, गाड़ी के फाटक से निकल जाने की प्रतीक्षा करें। बंद फाटक के
अगल बगल से संक्षिप्त रास्तों से भी निकलने का प्रयास न करें। आपका जीवन अमूल्य है, आप हमेशा सुरक्षित रहें, इसलिए आज ये जागरूकता अभियान उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के द्वारा चलाया जा रहा है। सभी लोग जागरूक हों कि जब रेल फाटक बंद हो तो कृपया उसके नीचे से निकलने का प्रयास न करें। आज लोगों को जागरूक करने के लिए क्या पंपलेट वगैरह भी बांटे गए हैं? जी, आज जागरूक करने के लिए रेलवे की तरफ से फाटकों पर जा कर के पब्लिक को पंपलेट भी दिए गए हैं, जिससे लोग जागरूक हों कि बंद फाटक पे वो रेलवे क्रॉसिंग पार ना करें। यह अभियान लगभग जो है रेलवे के सभी फाटकों पे किया गया होगा? हाँ, मैक्सिमम जो है ये अभियान हर गेटों पर किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी आपने देखा RDSO गेट नंबर 2 स्पेशल पर आज उत्तर रेलवे मंडल लखनऊ मंडल DRM के सौजन्य से उनके नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस लोगों की सुरक्षा के लिए, ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर। लखनऊ में देखा जाए तो सभी रेलवे फाटकों पर यह अभियान चलाए गए हैं, लोगों को पंपलेट बांटे गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।